मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा नई कार्यकारिणी में सब मिलकर काम करेंगे और इस वर्ष भाजपा को मजबूती देने के साथ आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। शर्मा ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के बच्चियों पर दिए गए बेतुके बयान की कड़ी निंदा की है। भाजपा की नई कार्यकारिणी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा अभी सबको जिम्मेदारी मिली है, सब अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, अपने काम से भाजपा को मजबूत करेंगे, इस वर्ष भाजपा को आत्मनिर्भर बनाएंगे। उन्होंने कहा सिंधिया भाजपा का अभिन्न अंग है, वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ जो भी नेता आए हैं वो भी सीनियर नेता हो गए हैं। राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस के चंदे मांगने पर वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस के अगर ज्ञान चक्षु खुल गए हैं तो भगवान राम की कृपा है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बच्चियों को लेकर आपत्तिजनक बयान पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर जन्मभूमि न्यास ये एक ऐसी व्यवस्था है जो आज से नहीं सालों से इस काम में वो लगे हुए हैं, समाज इसका काम कर रहा है, इसमें कोई दल नहीं कर रहा है। कांग्रेस के पास तो क्या है कि मैं तो कहता हूं कि अगर उनके अगर ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, उनकी अगर भावनाएं ये जागृत हो गई हैं, तो ये भगवान राम की ही कृपा है। पहले तो वो कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, पहले वो कहते थे कि राम सेतु का अस्तित्व नहीं है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते थे। तो ये समय का परिवर्तन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयासों से इस देश के अंदर देशभक्ति का भाव जो जागृत हुआ है और राम जन्मभूमि आंदोलन जो देश के अंदर खड़ा हुआ, जो 500 साल वर्ष पुराना एक संकल्प इस देश के अंदर कि हमारी आस्था और श्रद्धा का जो केंद्र है वो जाकर के खड़ा होगा। आज एक गौरव का अवसर आया है कि माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, और अब राम मंदिर निर्माण का काम कोई सरकार या कोई संगठन नहीं कर रहा, संपूर्ण भारत समाज कर रहा है, संपूर्ण भारत का एक एक व्यक्ति कर रहा है। तो अपने अनुसार लोग देने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को क्वेश्चन खड़ा करने के लिए वो राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी समाज का काम नहीं किया है, उन्होंने कभी देशभक्ति का काम नहीं किया है, वो केवल राजनीति काम करते हैं और एक परिवार पर टिके रहते हैं और उनकी भावनाएं भारत से नहीं, उनकी भावनाएं कहीं और जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं केवल प्रश्न खड़ा करने से काम नहीं चलता, उन्होंने बहुत व्यवस्थित तंत्र बनाया है। जो लोग ट्रस्ट के लोग इस काम में लगे हैं अगर उनसे वो बात करेंगे तो उनका वो जवाब भी दे देंगे। मैं तो इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट कैसे कलेक्शन कर रहा है। अभी सबको जिम्मेदारियाँ मिली, हम लोग कहते हैं कि ये पद नहीं दायित्व, तो हम सबको जो जिम्मेदारियाँ मिली हैं अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो मोर्चे हों या पदाधिकारी हों, आगामी समय में जो हमारे और भी कुछ आयाम और प्रकल्प और कई प्रकार की चीज़ें हैं वो भी जल्दी अपने सामने होंगी। जिलों की हमारी कार्य समितियों का हमने एक प्रोसेस अपनाया है, वो जल्दी ही पूरा होगा, तो जिलों की भी कार्य समिति मिलेंगी, मंडल की कार्य समिति हमारी बन चुकी हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।